एक गीत दे रही हूँ और इस गीत की इच्छा कई लोगों की है। महेंद्र भैया भगत जी कहीं बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा, आप खड़े हैं, इधर आ जाइए सामने। और क्या, आपका ही कार्यक्रम है और आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, बैठे। शायद आपने गीत सुना भी हो, नहीं सुना है तो आप सुने, आपको भी अच्छा लगेगा। ये बेटा ना मुन्ना ना ना बेटा, एक निवेदन और करूंगी, चूंकि ये कैसेट बन रहा है। राखी जी ने बड़े मजबूती से कहा, क्रांतिमाला जी आपने काटा है बांटा है ये गाया है, तो मैं जो काटा और मैं भी काटा ही लाऊंगी। ए बेटा शांत रहो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं एक भेज दी हूँ। औका कहा सवेरे आयो अब ना आयो रात में, यहाँ एक जगह बैठना, अनुवाद क्यों कर रहे यार। राखी जी कह रही हैं कि मैं भी कांटा ही लाऊंगी और कांटा ना लाऊं तो राखी आजाद नहीं। हमने कहा बहुत अच्छी बात, कम से कम किसी कलाकार में इतना बल तो है। फिर जब आपने प्रसंग बताया तो कहा कुरु ने खेती करने के लिए, राजा कुरु ने खेती करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, संकल्प कर लिया, विष्णु भगवान आए, उन्होंने चक्र चलाया, चक्र चलाया तो उनके दोनों हाथ कट गए। अब देखिए चक्र चला रहे हैं विष्णु भगवान, हाथ कट रहे हैं गुरु के, और फिर आप लाइन क्या गा रही के धन्य है जिसने धर्म के कारण अपने तन को काटा है। वाह, काटा है कि कटाया है सोचो, कटवाया है। काट तो वो रहे हैं, अगर वो अपने आप से चक्र लेकर तलवार लेकर खुद हाथ काट रहे होते तब तो खुद काटा है। और जब वो काट रहे हैं अब उनके चक्र से उनका हाथ कट रहा है तो भी काटा नहीं कटवाया है। अब जैसा लिखा वैसा ही तो गाएगी बिटिया, बताओ राइटर का तो माला पड़ना चाहिए। मेरे गीत में दो जगह ललन ने काटा है, दो जगह ललन को काटा है, पहले माता पिता ने, फिर केवल पिता ने। अब पिता ने आज्ञा दी और पुत्र ने मां का शीश काटा है। गाने की गहराई को भी तो समझिए, केवल कांटा सन्नाटा बांटा लगा देने से जवाब थोड़ी हो जाता है। ना ठीक है भाई, हमारा कांटा सन्नाटा सब आपने लगा दिया, अलग से कोई काफिया नहीं है, चलिए ठीक है ठीक है। एक गीत दे रही हूँ और फिर निवेदन कर रही हूँ, उसको सुनिएगा, हालांकि सुना होगा, खूब चला है, या लोगों ने कहा है तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ, सुनिए। आदनी प्रेम नारायण भैया बैठिए, इस गीत को आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है क्या के ऐसे ना क्या बात, राखी जी कह रही हमारे राम बाबू भैया के लिए, जैसा गणित तुम बजा जाते हो कोई बजा नहीं सकता। सही है सही है सही है, भगवान करे वो गणित बजाते रहें। बस बस गीत कह रहा है के ऐसे ना जा खपा हो के, देशाद भैया के ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा।
छोड़ के गीत कह रहा है खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, उनके गीत में शहर छोड़ के। और देखिए मैं कैसे छोड़ के शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मरघट पर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने मरे हुए पुत्र की लाश को लेकर पहुंची। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके पास कर का टका भी नहीं है बच्चे की लाश को बहाने के लिए। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि स्वामी आप मरघट पर हैं, इसका अंतिम संस्कार अंतिम क्रिया बाकी है। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया कि देवी मैं धर्म में बंधा हूँ, मैं तुम और ये पुत्र बिक चुका है, अब ना तुम रानी हो ना मैं राजा हूँ, अब तो मैं नौकर हूँ और तुम नौकरानी हो। ये बात अगर इसका अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो तुम्हें कर का टका देना पड़ेगा। अब राजा की बात जब उसकी पत्नी यानी तारा ने सुनी तो अपने पुत्र को नीचे धरती पर लिटा देती है और वो माँ कहती है, कहा तारा ने के स्वामी स्वामी सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, गीत को सुनिएगा। हमारे आदित्य भैया का प्रयास देखिए, उन्होंने कहा कि सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, जो कुचक्र समय का वो अब तक नहीं रुका। ओ हे राजा के तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, ये तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, और माता से मांगते हो कि दे ये कर का टका। माता से मांगते हो कि दे ये कर का टका। और तारा ने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ कर दो टुकड़े में बांट दिया और पुत्र को लिटा कर एक टुकड़ा डालकर कहने लगी, कहा उसने कि हे स्वामी देखो कि कुछ पास नहीं हो, मेरे शेर ढोलक पर जो तुम अंग्रेजी बजाते हो कोई नहीं बजा सकता। इस ठेका को कहते पलक तोड़। ये भी अलग गणित है। हाँ नहीं उधर गणित है तो इधर अंग्रेजी आउका। और हिंदी में तो हम लोग गा ही रहे। कहा तारा ने के स्वामी और मैं यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, मेरी पंक्ति को सुनिएगा आपको हृदय तक पहुंचेगी। तारा ने अपने टुकड़े को फाड़ कर लाल पर डाल दिया और कहा स्वामी के कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, के कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अच्छा आप ही ओमी भैया है, ये मास्क की वजह से आजकल को समझ में नहीं आता कौन। हाँ ये बस ये है।
हमारे ओमी भैया की तरफ से अनगिनत प्यार दुलार मिल रहा है। और हमारे एसके सैनी भैया अपार पुरस्कार दोनों तरफ आप लोग लुटा रहे हैं, परमात्मा ऐसा ही बनाए रखे आपको। और यहीं के हमारे जयराम भैया आपकी तरफ से भैया को जयराम जयराम पांडे जी जयराम जयराम पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जयराम जी को, हृदय से नमन है। अनगिनत पुरस्कार आप लोगों के मिल रहे हैं, सुनिए कहा के कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मेरे सजन छोड़ के, तो लो आज जा रहा तो मेरा ललन छोड़ के। और देखें और पुरस्कार लेकर आए हमारे महेंद्र भैया, लेकिन नाम है नाम बताने आप मेवालाल जी, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, और आखिर जी प्रयास करिएगा, चलिए जो अच्छा है वही गाइएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी ना बेटा, फिर इसी ललन छोड़ के वचन छोड़ के धरन छोड़ के नहीं कुछ अलग। पहले में ललन छोड़कर जा रहा है, यानी राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जा रहा है। अब दूसरी जगह देखिए केकई ने वो भवन में उदास होकर जब वो लेट गई, राजा दशरथ ने कहा कि हे केकई ये क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है, तेरे लिए सारे सुख ऐश्वर्य धन भंडार खुले हैं, बता क्या चाहती है। केकई ने कहा महाराज याद करिए आपने कहा था दो वरदान पूरे करूंगा। कहा बोल कौन से दो वरदान, कहा एक तो भरत को राज गद्दी चाहिए और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए। बस जैसे ही सुना तो मेरी पंक्ति कह रही है कि वचनबद्ध हो करके, राजा दशरथ कहने लगे वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। अपने पुत्र के जाने के बाद मेरे प्राण इतनी जल्दी निकल भी नहीं रहे, हालांकि 6 बार राम का नाम कहकर प्राण निकल गए, पर गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, और मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। तो राजा दशरथ कहने लगे क्या हेलो हाँ आप गड़बड़ कर रहा है बेटा, सीटी होने लगती है। हाँ हाँ बढ़िया बजाओ भैया, हम लोग बढ़िया गाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या। कि मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया, तो कहा आज मेरा लाल कैसे जा रहा है साहू जी। कहा कैसे जा रहा है, कैसे के जो ज्योति हो अपने नयन छोड़ के, जो ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, और जो दिन कर चला जाता जैसे गगन छोड़ के, तो आज मेरा राम के लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। इन पुरस्कारों की कोई कीमत नहीं है, संख्या बताने से भी कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। अपार दुलार है हमारे राजीव भैया, भैया का नाम अच्छा अशोक पाल भैया, मेरी तरफ से आपको भी हृदय से नमन है। धीरे धीरे चेहरे परिचित हो जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।
सारा कोरोना तो हमारे ओमी भैया अब छाया है। आओ क्या मास्क है जरूरी। दो गज दूरी मास्क जरूरी। धन्यवाद है। सुनिए अब पहले और दूसरी और तीसरी जगह देखिए कौन कह रहा है। भगवान कन्हैया का जन्म कारागार में हुआ। एक एक करके बाकी जितने पुत्र हैं कंस ने पटक कर छीन कर मार दिए हैं, लेकिन जब देवकी ने कन्हैया को जन्म दिया और वसुदेव कृष्ण को लेकर जाने लगे तो देवकी ने एक बात कही। क्या? और मेरी पंक्ति की गहराई को समझिएगा राखी जी। कहा के आज के भैया ने दुख दिया पर सैनी भैया कहा देवकी ने के भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। मेरे भाई ने मुझे दुख तो दिया लेकिन मेरा भला किया। और मेरा भला क्या किया जरा सुनिएगा। के भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या? के जग के जगत पिता की के जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। अंतरे में केवल हाईवे और कच्ची नहीं भरी कुछ है, ध्यान रखिएगा। समझे? भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया और जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। क्यों? तो जीवन हर बच्चे का माता सहेजती। लेकिन मैं कैसी माँ हूँ? कैसी? के निज सुत को दूर अपने एक माँ है भेजती। तो कैसे भेज रही है? कैसे? के जो खुशबू चली जाती है के जो खुशबू चली जाती है जो खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के। वैसे ही आज देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। बड़ा सुंदर गीत आप सभी लोगों ने सुना है। बिल्कुल। और आपने गाया ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़।
भी संगीत सीखा होगा, वो गणित के विषय में जानता होगा, वो अंग्रेजी ठेके में आ जाएगा, अन्यथा लोगों को अंग्रेजी और विज्ञान ही समझ में आएगा। और क्या, वही किस्सा कर रहे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पहली संगत है, गाना बड़ा अच्छा दिया है। और देखिए फिर आपने कहा ये गाना हमारे आदित्य भैया ने लिखा है। क्या कहूं आपसे बहन जी, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि थोड़ी सी वाहवाही पाने के लिए इंसान परमात्मा के दरबार में खड़े होकर भी झूठ बोल सकता है। खैर ये मेरी आदत नहीं है कि दूसरे में टांग अड़ाए, ये सब आप लोगों का काम है। बिल्कुल, गाड़ी टूल टैक्स से जानी है, ये होना है वो होना है, ठीक है। हाँ वो दादा कह रहे थे बिटिया का आज दिमाग सही नहीं है। एक बात बताएं संतोष भैया, मेरा जितना दिमाग इस समय सही चल रहा है उतना बनाए रहे, उतना दिमाग आपका दिमाग ठीक करने के लिए काफी है। कभी चक्कर में ना रहे ना भैया, काहे चक्कर में पड़े हो, 60 साल आपका पैसा उड़ाओ, काहे परेशान। ध्यान दीजिएगा, जिस समय दधीच की पत्नी जिनका नाम है सुवर्चा, सुवर्चा जिस समय उन्होंने अपने माध्यम से एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि आपका गीत कह रहा है कि पहले ही जा चुके हैं मेरे सजन छोड़ के, लो आज जा रहा है मुझको मेरा ललन छोड़ के। हालांकि हम लोग जवाब के लिए ला सकते थे केवल काम चलाने के लिए, कि जैसे सावित्री को सत्वान मिल गए, जैसे सजनी को उसका सजन मिल गया, एक माँ को उसका ललन मिल गया। आप कहती हमारा ही माल हमको ही वापस कर दिया आपने, हमारी लाइनें हमको भी लौटा दी। आपकी बात नहीं है बहन जी, आपकी लाइन बोल रही कि आज जा रहा मेरा मुझको ललन छोड़ के। आपके गीत में एक माँ को ललन छोड़ के जा रहा है, लेकिन जवाब तो तब होगा कि जब एक ललन को एक माँ छोड़ के चली जाए। गाने को भाव को सुने आप, और क्या, धन्यवाद। और ये हमारे सम्मानी हमारे भैया श्री HS दहोलिया जी, आपके द्वारा 100 मुद्रा हमारे लिए और 100 मुद्रा हमारे भैया राम बाबू के लिए। क्या बात, ध्यान दें आप, जब सुवर्चा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसको एक वृक्ष के नीचे लिटा करके जब वो जाने लगी, देखिए हुआ क्या, क्या ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, क्या पति का मरण हुआ तो इंग्लिश नहीं, हिम्मत भी लगा के दिखाओ, ये है गणित, हिम्मत भी लगा के दिखाओ। सुने आप कि पति का मरण हुआ तो
माना कि गम हुआ, पति का मरण हुआ, माना कि गम हुआ, लेकिन कि पति का मरण हुआ तो माना कि गम हुआ, पर कर्म से तुम्हारे, पर कर्म से तुम्हारे वो मन ना कम हुआ। कहने लगे ब्रह्मा जी, माना कि तुम्हारे पति का मरण हो गया, तुमको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का, लेकिन सुनो सुनो, तो जीवन में इस ललन के घोर तम हुआ, घोर तम यानी अंधकार, तो घोर तम हुआ, और अरे ममता क्यों भुला डाली, कैसा वहम हुआ, को अपने पुत्र को छोड़ करके जब वो मां आने लगी, देखिए ब्रह्मा जी कहने लगे, तो जो सूर्य अस्त होता, सुनिएगा लाइनों को, तो जो सूर्य अस्त हो अपनी लालिमा छोड़ के, जो सूर्य अस्त हो अपनी लालिमा छोड़ के, नश्वर तन जैसे जाती आत्मा छोड़ के, तो उसी प्रकार अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के, सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के, अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के, अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के। क्या बात है, ये हमारे बड़े भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के आप सभी लोग सदस्य हैं, भैया हमारे श्री प्रेम नारायण शर्मा जी, योगेंद्र बुंदेला जी, भूपेंद्र रावत जी और जवाहर तिवारी जी, आप भैया लोग, कुछ लोग नौगांव से आए हैं, कुछ लोग छतरपुर से आए हैं, यानी सभी लोग मध्य प्रदेश की धरती से पधारे हैं बिल्कुल, और ये पुरस्कार 200 मुद्राओं का आपकी तरफ से प्रदत्त हुआ है, साधुवाद भैया जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने नश्वर तन जैसे जाती आत्मा छोड़ के, अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़। एक जगह और सुनिएगा बहन जी, सुने जन्मी लालन अपमान हो रहा, कौन कौन कौन, अरे क्वारे में जन्मी लालन अपमान हो रहा, अरे जीवन का माना गुलशन वीरान हो रहा, भरी विषमता, हेलो चले गए, ये हो क्या जाता है इसमें, सब चले गए, हेलो हेलो
पानी तो नहीं चू रहा। आप बढ़िया बोल रहा भैया, बहुत बढ़िया। हेलो 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 ये भी तो आ जाए, ये पीली शर्ट वाले चले गए। हेलो हेलो, ऊपर से पानी तो नहीं चू रहा यार, समझो। हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया, अब जा ना पाए। आइए सुनिएगा शीघ्र में। हेलो, कि ममता भरी विषमता दुश्मन हो रहा, एक माता से ही ललन का नुकसान हो रहा। नुकसान हो रहा है तो कहना पड़ा, कि ममता गई मां की गरिमा, बहुत अच्छे, ममता गई माँ की गरिमा, ममता गई देखो माँ की गरिमा छोड़ के। और एक बात और सुनिए, चांदनी जाए यार जैसे चंद्रमा छोड़ के। तो अब सुख को इस समय अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया, और जब छोड़ करके आने लगी तो चांदनी जाए जैसे चंद्रमा छोड़ के। तो अब सुख तो जा रही है उसकी माँ छोड़ के, सुख तो जा रही है उसके माँ छोड़ के, अब सुख तो जा रही है उसके माँ छोड़ के। अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के। हालांकि बहन जी द्वापर में कर्ण को छोड़ करके कुंती भी चली गई, लेकिन समय को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल। अब सुत को जा रही है उसकी माँ छोड़ के, अब सुत को जा रही है उसकी।